अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ 21 दिन इस्तेमाल करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपके अंदर मर्ज जो है काफ़ी पुराना है, ठीक है, तो पहले आप उसका इलाज करवाएं। लेकिन अगर आपको सिर्फ वक्ती कमजोरी की वजह से परेशानी का सामना है, सोबत करते वक्त नफ्स में ढीलापन आ जाता है, ताकत नहीं है, टाइमिंग नहीं है, इंतशार नहीं आता, हम बिस्तरी में लज्जत नहीं मिलती या वक्त नहीं लगता, तो उसके लिए नुस्खा सिर्फ सिर्फ 21 दिन बनाकर आप इस्तेमाल कर लें। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपको कोई नहीं बताएगा। इसके फायदे बेशुमार हैं। 21 दिन आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। 21 दिन के इस्तेमाल से नफ्स के अंदर इतनी ज़बरदस्त ताकत आती है कि नफ्स लोहे की मानंद हो जाता है। टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, तमाम किस्म की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही आला और बहुत ही मुजरब नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाकर हर खास आम 35 साल तक की उम्र का मर्द इस्तेमाल कर सकता है। नुस्खा किस तरह से बनाना है और इसका क्या इस्तेमाल है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक कोरा बर्तन, ठीक है। कोरा बर्तन मिट्टी का लेना है आपने रात के वक्त। उसमें आपने 11 अदद देसी बादाम चाहिए आपको। ये देखिए, देसी बादाम की गिरियाँ चाहिए आपको 11 अदद। 11 अदद आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है। देसी बादाम की गिरियाँ 11 अदद, 2 अदद आप इसके अंदर छुआरे डाल के आप इसको सारी रात पानी में डाल के सारी रात इसको सहन में रख के ऊपर कोई कपड़ा दे दें, ख्याल करें जानवर मुंह ना मारे इस पर, ठीक है। इसको आपने इस तरह से ढांप कर रख देना है। सुबह उठ के आपने निहार मुंह करना ये है कि आपने छुआरों के अंदर से गुठलियाँ निकालनी है, ठीक है, और इसको एक खरल में डाल लेना है। आपके पास अगर घर में दोरी डंडा है, ठीक है, तो आप उसमें डाल लें। उसमें डाल के आपने इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है, अच्छी तरह से इसको खरल कर लेना है। अच्छी तरह से खरल करने के बाद एक माशा आपने इसमें तबाशीर लेनी है, एक माशा तबाशीर इसमें डाल लें, ठीक है। उसके बाद आपने 1 अदद इलायची के अंदर के दाने, इलायची के अंदर के दाने आपने इसमें डालने हैं और इसको अच्छी तरह से खरल करना है। अच्छी तरह से खरल करने के बाद ये जो मुरक्कब होगा 50 ग्राम मक्खन के साथ आपने इसको खा लेना है। उसके 1 घंटे तक आपने कोई चीज़ नहीं खानी, ठीक है, ना ही कुछ पीना है। 1 घंटे के बाद मामूल के मुताबिक आप अपना नाश्ता करें। गर्म चीज़ों से, तुर्स चीज़ों से परहेज़ करें। गर्मी के मौसम में आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें, आपके जिस्म से तमाम किस्म की कमज़ोरी को दूर करता है। असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, जिंसी कमज़ोरी, ताकत का ना होना, टाइमिंग ना लगाना, नफ्स में इंतशार ना होना, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजरब नुस्खा है। आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।